नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की महात्मा बुद्ध की जीवन लीला का शीर्षक है उदात्तता ही प्रेम। कथा का प्रारंभ कुछ इस तरह होता है कि राजा प्रसेनजीत अंगरक्षक रहित सर्वथा अकेले बुद्ध से मिलने आए, अपना वाहन और सारथी भी बाहर के बाहरी द्वार पर छोड़ आए। बुद्ध ने अपनी कुटिया के सामने राजा का स्वागत किया। औपचारिकताओं के बाद राजा ने बुद्ध से सीधा प्रश्न किया, गुरु गौतम, लोग आपको संबोधि प्राप्त बुद्ध कहते हैं, मैं स्वयं से प्रश्न करता हूँ कि कोई इतनी कम आयु में कैसे मुक्ति मार्ग खोज सकता है। हमारे यहाँ के वयोवृद्ध आचार्य अभी तक पूर्ण संबोधि का दावा नहीं करते। काकुद, कात्यायन और अजित केशकाम्बल तक यह दावा नहीं करते। क्या आपने इन आचार्यों का नाम सुना है? महात्मा बुद्ध ने प्रत्युत्तर में कहा, महामहिम, मैंने इन आचार्यों के नाम सुने हैं और बहुत से आचार्यों से मिला भी हूँ। आध्यात्मिक अनुभूति आयु पर आधारित नहीं होती, महीने या वर्षों से इनको मापा नहीं जा सकता। युवा राजकुमार, छोटे सांप, आग की चिंगारी और युवा सन्यासी को कम नहीं आंकना चाहिए। राजकुमार युवा हो सकता है, किंतु उसमें एक राजा जैसे गुण और भाग्य हो सकते हैं। छोटा सा विष्ठर सांप भी बड़े से बड़े को मार सकता है। आग की एक चिंगारी पूरे जंगल या एक नगर को भस्म कर सकती है। एक युवा सन्यासी भी पूर्ण संबोधि प्राप्त कर सकता है। मान्यवर, बुद्धिमान व्यक्ति इनमें से किसी को भी तुच्छ नहीं समझता। बुद्ध ने ये सब बातें शांत और सुस्पष्ट वाणी से और सीधी सादी भाषा में कही, जिससे राजा प्रसेनजीत बहुत प्रभावित हुए और बुद्ध की बातों पर विश्वास कर सके। फिर उन्होंने अपने हृदय को दग्ध करने वाला प्रश्न किया, गुरुवर गौतम, लोग कहते हैं कि अपने लोगों को प्रेम ना करने का परामर्श दिया गया है। वह कहते हैं कि आप जितना अधिक प्रेम करेंगे उतना ही दुख और निराशा होगी। यानी ये यहाँ पर बुद्ध महात्मा बुद्ध की तरफ इशारा करते हुए ऐसे कहते हैं। इस कथन में कुछ सत्य तो है, लेकिन इससे मुझे शांति नहीं मिलती। प्रेम के बिना जीवन अर्थहीन लगेगा, कृपया इस समस्या का हल बताइए। बुद्ध ने राजा की ओर सप्रेम देखकर कहा, महामहिम, आपके इस प्रश्न से बहुतों को लाभ पहुँचेगा। प्रेम कई प्रकार के होते हैं, प्रेम की प्रकृति पर ध्यान दीजिए। जीवन को प्रेम की बहुत आवश्यकता है, लेकिन कामांधता, वासना, आकर्षण, भेदभाव और पूर्वाग्रहों पर आधारित प्रेम की नहीं। जिस प्रेम की आवश्यकता है वह मैत्री और करुणा पर आधारित होना चाहिए। सामान्य रूप से जब हम प्रेम की बात कहते हैं तो वह पिता और संतान, पति पत्नी, परिवार के सदस्यों, जाति या देश के सदस्यों के बीच विद्यमान प्रेम की बात करते हैं। यह प्रेम मैं और मेरा की धारणा पर आधारित होता है, यानी यह या तो लगाव के कारण या पूर्वाग्रह के कारण होता है। लोग अपने माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री या प्रपोत्रों, पोते पोतियों, अपने संबंधियों या देशवासियों से प्रेम करते हैं। इनके प्रति लगाव के कारण इन्हें दुर्घटना या गंभीर रोग की आशंकाएं उसके वस्तुतः घटित होने से पहले ही घर कर रहती हैं, और जब वैसा वास्तविक में हो जाता है तो उन्हें असह्य वेदना होती है। भेदभाव पर आधारित प्रेम से पूर्वाग्रह जन्म लेते हैं। लोग अपने प्रयोजनों के अलावा अन्य लोगों के प्रति या तो अपेक्षा की बरतने लगते हैं या विरोधी बन जाते हैं। इस लगाव या पूर्वाग्रह के कारण ही लोग स्वयं भी दुख की कारण बनते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। महामहिम, सभी लोग जिस प्रेम के भूखे होते हैं वह है मैत्री और करुणा। मैत्री ऐसा प्रेम है जो दूसरों को भी हर्षित कर सकता है। करुणा ऐसा प्रेम है जिससे दूसरों के दुख दूर करना संभव हो सकता है। मैत्री और करुणा को किसी प्रतिफल की अपेक्षा नहीं होती। प्रेमपूर्ण मैत्री और करुणा अपने माता पिता, पति या पत्नी, बच्चों, संबंधियों, जाति के सदस्यों या देश के लोगों तक ही सीमित नहीं होती। इसमें मैं और मेरे का कोई भेद नहीं होता। जब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता तो तदनुरूप कोई लगाव भी नहीं होता। इससे कोई दुख या निराशा नहीं होती। मैत्री और करुणा के बिना जीवन अर्थहीन और खोखला होता है। मैत्री और करुणा से जीवन शांति, उल्लास और संतोष से भर जाता है। आप एक देश के राजा हैं। यदि आप प्रेमपूर्ण मैत्री और करुणा का भाव अपनाएंगे तो आपके समस्त प्रजाजनों को लाभ होगा। अब विचारपूर्ण मुद्रा में महाराज ने सिर झुका लिया। फिर बुद्ध से पूछा कि मेरे लिए परिवार लालन पालन हेतु है और प्रजा शासन करने के लिए। यदि मैं अपने परिवार और प्रजाजनों को प्रेम नहीं करूंगा
तो मैं उनको पोषण कैसे कर सकूंगा? कृपया इस पक्ष पर प्रकाश डालिए। आपको स्वाभाविक रूप से अपने परिवार और अपनी प्रजा को प्रेम करना चाहिए, ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा। किंतु आपके प्रेम का विस्तार इससे आगे भी हो सकता है। आप राजकुमार और राजकुमारी को प्रेम करते हैं, किंतु वह प्रेम आपको अपने राज्य के समस्त युवाओं से प्रेम करने के आड़े नहीं आता। यदि आप सभी युवकों से प्रेम कर सकें तो आपका प्रेम सीमित से असीम हो जाएगा, यानी उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। आपकी प्रजा के सभी युवक और युवतियां आपके बच्चे बन जाएंगे, यही करुणा हृदय होना है। यह मात्र आदर्श नहीं है, इसे व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है, विशेषतः आपके लिए जिसके पास इतने सारे साधन हैं। किंतु अन्य राज्य के युवजनों का क्या होगा? अन्य राज्यों के युवजनों को अपने पुत्र पुत्रों के समान प्रेम करने से आपको कौन रोकता है? भले ही वे आपके राज्य के सीमाओं में निवास न करते हों, एक राजा अपने प्रजाजनों को प्रेम करता है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि वह अन्य राज्यों के युवजनों को प्रेम नहीं कर सकता। जब वे लोग मेरे राज्य की सीमा में ना हों तो मैं अन्य राज्य के युवजनों के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन कैसे कर सकता हूँ? कृपया ये बताएं। बुद्ध ने राजा की ओर देखकर कहा, एक राष्ट्र की समृद्धि और सुरक्षा दूसरे राष्ट्रों की निर्धनता और असुरक्षा पर आधारित नहीं होती। मां महिम, स्थायी शांति और समृद्धि तभी संभव है जब राष्ट्र सभी के कल्याणार्थ एकजुट होकर निष्ठापूर्वक कार्य करे। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके राज्य में शांति और युद्ध में आपके राज्य के युवक न मारे जाएं, तो आप अन्य राज्यों को भी शांति प्राप्त करने में सहायता कीजिए। विदेश नीति और आर्थिक नीतियों में भी यदि करुणा का मार्ग अपनाएं तो सच्ची शांति होना संभव होगी। इसके साथ ही आप अपने राज्य के युवजनों को प्रेम करते हुए अन्य राज्यों यथा मगध, काशी, विदेह, शाक्य और कौलीय के प्रति भी प्रेम रख सकेंगे। महामहिम, गत वर्ष में मैं शाक्य राज्य में अपने परिवारजनों से मिलने गया था, जो हिमालय की तराई में कुछ दिनों तक विश्राम किया था। उस समय मैंने अहिंसा पर आधारित राजनीति पर बहुत गंभीर चिंतन किया। उससे मैं इस पर निष्कर्ष पर पहुंचा कि कारावास या मृत्युदंड तरीके हिंसक उपाय अपनाए बिना भी राष्ट्रों की शांति और सुरक्षा संभव है। मैंने इस निष्कर्षों की चर्चा की कि अपने पिता राजा शुद्धोदन से भी उन्होंने परामर्श किया, यानी बुद्ध ने परामर्श किया। आज मैं ये विचार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो शासक करुणा पर आधारित शासन करता है, उसे हिंसक साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। राजा ने हर्ष से उल्लसित होकर कहा, अद्भुत, सत्यतः अद्भुत, आपका कथन अत्यधिक प्रेरक है। आप सचमुच संबोधि प्राप्त हैं। आपने जो विचार प्रकट किए हैं उन पर मैं गंभीरता से मनन करूंगा। आपके कथन से गूढ़ार्थों को समझने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये बुद्धिमत्तापूर्ण बातें हैं। अब मैं आपसे एक साधारण प्रश्न करता हूँ। सामान्यतः प्रेम से भेदभाव, अपेक्षाओं और लगाव के सूत्र जुड़े होते हैं। आप कहते हैं कि इन्हीं के कारण चिंता, दुख और निराशा होती है। तब मैं अपने बच्चों के प्रति प्रेम होने की अवस्था में चिंता और दुखों से कैसे बच सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, इसके लिए हमें अपने प्रेम की वास्तविक प्रकृति पहचाननी होगी। यदि हमारा प्रेम दूसरों पर मात्र अपना हक जताने के स्वार्थ पर आधारित होगा तो हम उन्हें सुख शांति नहीं दे सकेंगे। इसके विपरीत उन्हें हमारा प्रेम जंजाल लगेगा। ऐसा प्रेम कारागार के अतिरिक्त क्या है? यदि व्यक्ति हमारे प्रेम के कारण हर्षित अनुभव नहीं करेंगे तो वे उस प्रेम से मुक्ति पाना चाहेंगे और धीरे धीरे हमारा प्रेम क्रोध और घृणा में बदल जाएगा। मान्यवर, क्या आप जानते हैं कि 10 दिन पहले श्रावस्ती में एक युवक ने अपने प्रेमिका से विवाह कर लिया तो उसकी माँ ने समझा कि पुत्र ने मुझे त्याग दिया। इस विवाह से उसे एक पुत्री मिल गई। ये समझने के स्थान पर उसने माना कि उसके पुत्र ने माँ से विश्वासघात किया है। उसका प्रेम घृणा में बदल गया और उसने पुत्र और पुत्रवधु को विष देकर मार दिया। महामहिम, सधर्म के मार्ग के अनुसार उदात्तता यानी सदाशयता के बिना प्रेम विद्यमान ही नहीं रह सकता। उदात्तता ही प्रेम है। यदि आप में प्रज्ञा का अभाव है तो परस्पर प्रेम संभव ही नहीं है। जो बहन भाई एक दूसरे को समझते ही नहीं, वे एक दूसरे को कैसे प्रेम कर सकते हैं? माता पिता और बच्चों एक दूसरे के समझने के बिना प्रेम कर ही नहीं सकते। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रिय पात्र प्रसन्न रहे तो आपको उसके दुखों और आकांक्षाओं को समझना चाहिए। जब इन्हें समझेंगे तो वे उपाय भी सूझ जाएंगे जिससे उसका कष्ट दूर किया जा सके और आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सके।
यह सच्चा प्रेम है यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रिय पात्र आपके विचारों के अनुसार आचरण करे और आप उसकी आकांक्षाओं के उसकी आवश्यकताओं के प्रति अनजान बने रहें तो ये प्रेम नहीं है। ये तो आपका दूसरों पर अधिकार बनाए रखना और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र है, तो जो जिस उस प्रकार पूर्ण होना संभव नहीं है। महामहिम, कौशल के लोगों को कष्ट भी है और उनकी आकांक्षाएं भी हैं। यदि आप उन्हें समझ सकते हैं तो प्रजाजनों से सच्चा प्रेम भी कर सकेंगे। आपके दरबार के अधिकारियों को भी कष्ट है और आकांक्षाएं भी हैं, उन्हें समझिए तो आप जान जाएंगे कि प्रसन्नता कैसे लाई जा सकती है। प्रसन्न रहने पर वे आपके प्रति आजीवन निष्ठावान बने रहेंगे। रानी, राजकुमार और राजकुमारी के अपने दुख हैं और आकांक्षाएं हैं, यदि आप इनको समझेंगे तो उन्हें प्रसन्न रख सकेंगे। जब प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्नता, शांति और सुख का अनुभव करेगा तो आप स्वयं भी उस प्रसन्नता, शांति और सुख की अनुभूति कर सकेंगे। सद्धर्म मार्ग के अनुसार प्रेम का यही अर्थ होता है। अब महाराज प्रसेनजीत इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। अभी तक किसी आध्यात्मिक गुरु या ब्राह्मण ने इस तरह उनके दिल के दरवाजे नहीं खोले थे और इन बातों को इतनी गहराई से भी किसी ने नहीं समझाया था। उन्होंने सोचा कि ऐसे गुरु का इस देश में रहना बहुत मूल्यवान है। वो बुद्ध के शिष्य बनना चाहते थे। क्षण भर मौन रहने के बाद उन्होंने बुद्ध से कहा, इन प्रश्नों पर आपने जो प्रकाश डाला इसके लिए धन्यवाद, किंतु एक प्रश्न मेरे मन में अभी भी अनसुलझा है। आपने कहा कि भाई अपेक्षाओं और ममत्व पर आधारित प्रेम से दुख और निराशा प्राप्त होती है और सदाशयता पर आधारित उदात्त प्रेम से शांति और प्रसन्नता प्राप्त होती है, लेकिन करुणा पर आधारित निस्वार्थ तथा अहैतुक प्रेम से भी तो दुख और कष्ट हो सकता है। अपने प्रजाजनों को मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा जैसे तूफान और बाढ़ से हुए लोगों के कष्टों से मुझे दुख पहुँचेगा। मैं समझता हूँ कि आपको भी पहुँचेगा। जब आप किसी को रोगी या मृत्युशैया पर देखते होंगे तो आपको दुख होता होगा। इस प्रश्न से प्रकट है कि आपने करुणा भाव को भली भांति समझ लिया है। पहले तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि इच्छा, अपेक्षाओं और ममत्व से उत्पन्न प्रेम के कारण होने वाले दुख करुणामय प्रेम के दुखों से हजार गुना तीव्र होते हैं। इस संदर्भ में दुख के दो प्रकार समझना ही आवश्यक है। एक प्रकार के दुख वो होते हैं जो व्यर्थ होते हैं और आपके दिल और शरीर को अशांत कर देते हैं। दूसरे प्रकार के दुख हमारे ख्याल रखने और उत्तरदायित्व के भावों का पोषण करते हैं। करुणा आधारित प्रेम से वह शक्ति प्राप्त होती है जिससे आप दूसरों के कष्ट निवारणार्थ प्रेरित हो सकें। आत्मीय भाव और अपेक्षाओं पर आधारित प्रेम से केवल चिंताएँ बढ़ती हैं। यानी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें निष्काम रूप से हमें प्रेम करना चाहिए और अधिक दुख होता है। किससे? अपेक्षाओं पर आधारित प्रेम से केवल चिंताएं बढ़ती हैं और अधिक दुख होता है। करुणा से अत्यधिक सहृदयतापूर्ण कार्य करने और सेवा करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए महाराज करुणा सर्वाधिक आवश्यक है। सबसे ज़्यादा करुणा ही जरूरी है। करुणा में प्रेम जनित दुख तो सहायता न कर पाने का दुख होता है। यदि आप अन्य व्यक्ति का दुख नहीं समझ सकते तो आप मानव ही नहीं हैं। करुणा सदाशयता यानी उदात्तता का परिणाम होती है। सद्धर्म का मार्ग अपनाने से जीवन के सच्चे स्वरूप का दर्शन होता है। उसका सच्चा स्वरूप है अनित्यता। संसार में प्रत्येक वस्तु अनित्य है और उसकी पृथक सत्ता नहीं है, यानी अनात्म है। एक ना एक दिन हर वस्तु अस्तित्वहीन हो जाएगी, उसका कुछ भी अस्तित्व नहीं रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगी। एक दिन आपका शरीर भी नहीं रहेगा। जब व्यक्ति प्रत्येक वस्तु की अनित्यता पर दृक्पात करता है, यानी अपनी दृष्टि डालता है, नज़र डालता है, तो उसकी दृष्टि शांत और सौम्य हो जाती है। अनित्यता के कारण उसका दिल है जो और उसका मन, वो विचलित नहीं होता। इस प्रकार करुणाजन्य दुख भावों से अन्य प्रकार के दुखों के समान कटुता और बोझ नहीं होता है। इसके विपरीत करुणा व्यक्ति को अधिकाधिक शक्ति देती है। करुणा से जो व्यक्ति है उसको बहुत शक्ति मिलती है। महाराज, आज आपने सद्धर्म मार्ग के आधारभूत तत्वों से साक्षात्कार किया है। किसी अन्य दिन हम लोग सद्धर्म मार्ग की और अधिक चर्चा करेंगे। महाराज प्रसेनजीत का दिल आभार से गदगद हो गया। उन्होंने खड़े होकर बुद्ध को नमन किया। वो समझ गए कि शीघ्र ही किसी दिन उन्हें बुद्ध का उपासक बनना होगा। वो जानते थे कि महारानी मल्लिका, राजकुमार जेत और राजकुमारी वज्री के हृदय में भी बुद्ध के लिए बहुत सम्मान है। वह चाहते थे कि सारा परिवार एक साथ ही बुद्ध की शरण में जाए।
उन्हें ये मालूम था, उन्हें ये ज्ञात था कि उनकी छोटी बहन कौशला देवी और उसके पति राजा बिंबिसार ने बुद्ध की शरण में ले ली है। उस दिन शाम को महारानी मल्लिका और राजकुमारी वज्री ने महाराज के व्यवहार में बड़ा परिवर्तन देखा। वह असाधारण रूप से शांत और संतुष्ट दिख रहे थे। वह समझ गए कि बुद्ध से हुई बातचीत का ही यह सारा परिणाम है। वह सब जानना चाहते थे कि महाराज की बुद्ध से क्या बातचीत हुई, किंतु उन्होंने प्रतीक्षा करना ही उचित समझा, जिससे महाराज अपनी इच्छा से जब चाहें तब वह सब कुछ बताएं जिसकी बुद्ध से चर्चा हुई है।